इसकी सभी सोच बोझ करती है और मेरे पुत्र से रावण की प्यार मधुरा नाश करती है। हाँ हाँ जानता हूँ तू रावण की बहन है और अवैध बहन है जिसकी मकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस की बस, भोगना से नए का पार्ट में घुमाया, अपनी जुबान पर लगाम दो। जाती है जाती सुनो मौत का बाप। सिर्फ मैं यूं ही दिल लगे करती हूँ, असल में मैं आपकी मोहब्बत का दम भरती हूँ। वह काला खलौटा आदमी उसका छोटा, ना आदमी ना आदमियों जैसी सूरत, भला मुझे से विवाह करने की क्या जरूरत। जब मैं पीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी, बड़ा बन जाएगा जो मुझे अपनाएगा, लंका का महाराजा तुम्हारा सारा कहलाएगा। मेरी सिपी का क्या ठिकाना जो तुम जैसी नाजनीन मुझ पर मायल हो गई और मेरी एक निगाह से गायब हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह झूम रहा, हुसन वाकई लाजवाब है, तमाम जमाना क्या सारी खुदाई का इंतकाब है। तो फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसीलिए मुझसे शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से भी साफ इनकार है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी सस्ती है, यदि एक माँ है तो दूसरा महाताव है। मगर वह तो कहते हैं कि दूसरा विवाह उनके लिए वाय से आजाद है। मजाक में तो उनकी आदत है, पर ना दिल तो उनका भी सख्त बेताब है। तो उन्हीं के पास चलते हैं, तो बड़ा नदान, भला इन बातों की उसे क्या पहचान है। आप तो कहते थे बड़ा अलमेला जवान, मगर आड़े करते का बस इंसान, दूर से कुछ बोला मालूम होता है, शक्ल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया, तुम्हारी बदबू के मेरा दिमाग फट गया, ऐसी सूरत में मैं तो उठती भी नहीं। मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दो और अपने फैसले तुम्हारे पास मुझसे मदरसानी कर दो। मुमकिन है तुमने लक्ष्मण का अंदाजा लगाने में गलती खाई हो, या फिर लक्ष्मण ने तुम्हें आजमाने के लिए कोई रंज चलाई हो। यदि तुम सती है तो बावजूद शादी के वो भी जती है। अजी काहे में जती, मैं जितना पक्षक है उससे बढ़कर मूर्ख, आप तो यूं ही मुझे फरेब देते हैं। श्लोक रखा के ये कोमल हाथ आपकी ही गर्दन पे शोभा देते हैं। ये हाथा पाई किसी और से करो और जरा मुंह बंद के इसके बात करो। मेरे हाथों में कांटे नहीं जो तुम्हारी गर्दन में चुभ जाएंगे, तीर है जो तुम्हारे सीने में चुभ जाएंगे। मैंने एक बार कह दिया कि मैं सिर्फ शादीशुदा नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ, राजे महाराजे बावजूद शादी के बहुत सी रमणियों से मोहब्बत का दम बदले थे। ये धर्म के विरुद्ध है, वो महापाप करते होंगे। तुम्हारी यहाँ कदापि दाल नहीं गलेगी और तुम यहाँ से निराश होकर करोगी, पर तुम्हारी जोड़ी सिर्फ लक्ष्मण से ही बनेगी। अजी आपने भी किस जंगली के पास भेज दिया जिसे ना बोलने का सलीका है ना बात करने का तरीका। आले दर्जे का बदतमीज, शक्ल देखो जैसे बरसों का मरीज, तीर से ऐसी बदबू आई मैं तो नाक पकड़ के उसके पांव भाग चली आई। भला आपको छोड़ के मैं कहां जा सकती हूँ और उस काले कलौटे को कैसे खातिर में ला सकती। वह जिस लायक था वैसी काली कलौटी उस पर फिसल गई और दोनों की अच्छी जोड़ी बन गई। जो शख्स दूसरे का गुलाम हो वह तुम जैसी सुंदरी के साथ किस तरह हम कलाम हो। अगर तुम्हें नहीं मुझे तो अपनी सुतवे का ख्याल है, इसीलिए तुम्हारे हुक्म की तामील करना मेरे लिए सत मुहाल है। तेरी शोभा बनूं क्या, मैं तो एक पीतल का जेवर हूँ, वह स्वामी है मैं सेवक हूँ, वह मालिक है मैं नौकर हूँ। तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ हाँ जानता हूँ, तू रावण की बहन और अवैध बहन है जिसकी मकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस की बस, भोगना से नए का पार्ट में घुमाया, अपनी जुबान पर लगाम दो। जाती है जाती सुनो मौत का बाप। ये शोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा जादू नहीं चलेगा। रामचंद्र के पास जाती हो
वही कामयाबी हो। और वैसे इससे नरम और सुशील है। अजी माफ कीजिए, बहुत देर लगी हो चुकी है। तुम्हारी तो हया और शर्म दोनों हो चुकी। तालीम और मतलब में शर्म कैसी? तेरी ऐसी की तैसी। सब तो पढ़े थे। कुछ ऐसा काम करो जिससे लोक व परलोक में नफा हो। ये तो बताओ कि तुम मुझसे क्यों खफा हो? अब मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो। क्योंकि ये निगोई कर भूमि तुम्हारे साथ है और मेरे रास्ते का कांटा है। पहले इसकी मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। चोरी में है मुझे शर्म नहीं आती। वैष्णव की तरह जंगल में घूम रही है। मालूम होता है कि तू बहुत सर फिर रही है। तुम मेरे गले क्यों पड़ रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। मेरा पीछा छोड़ा तो जानकी की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी गलती की सजा नहीं पाएगी ये यहाँ से हरगिज नहीं जाएगी। ओ बेहया, बदकार शरीर, बेशर्मी और बगैरत की मुजस्सिम तस्वीर, अब तू हमें अपनी ताकत का पैर दिखाना चाहती है और इस तरह हमें फुसलाना चाहती है। ओ बगैरत, ऐसी नीरज होने पर भी गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साज बाज करती है और मेरे पक्ष से रावण की प्राण का नाश करती है। मुझे यकीन है तू जरूर उसके पास जाकर अपनी बहाने बनाएगी, मगर जब वह पूछेगा कि तू वहां क्यों गई तो क्या बताएगी? हो सकता है वह तुम्हारी बातें झूठ जाने, इसीलिए मैं तुम्हें मान देता हूँ ताकि उसे अच्छी तरह से इत्मीनान हो जाए। अरे, 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 अरे,